करनाल के गांव बड़ौता से कल शाम से स्कूल में पढ़ने वाले दो नाबालिग बच्चे दीपांशु व देव संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर से लापता हो गए। नहर किनारे लापता बच्चों की चप्पल व साइकिल मिली है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों द्वारा बच्चों को तलाशने के लिए नहर में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की ओर से बच्चों को तलाशने के लिए अभी तक कोई भी गोताखोर नहीं बुलाया गया है। ग्रामीण खुद ही नहर में बच्चों को तलाशने का काम कर रहे हैं। बच्चों के लापता होने के बाद बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल अभी तक बच्चों का कोई भी पता नहीं चल सका है। एक का नाम दीपांश है जिसकी हाथ में फोटो और एक का नाम देवराज है। सडन वो कल बच्चे गायब है। घर से करीब 1:30 बजे के आसपास निकले थे लेकिन शाम को 5 बजे पता चला कि दोनों घर नहीं आए। उसके बाद मैं जमीन को ढूंढा गया तो यहाँ पे नहर किनारे इनका साइकिल था और दोनों की चप्पल यहीं पर निकली थी। तो सर के बाद नदी में ढूंढेगा उसको कल शाम इन्फॉर्म कर दिया गया था लेकिन शाम को पुलिस वाले आए थे वो फिर चले गए। तो वो ढूंढने के लिए सिर्फ गांव वाले आए जो गाँव में लेकिन पुलिस की ओर से कोई गोताखोर नहीं आया। जब आपका नाम संजय कोशिश की गई ढूंढने की दोपहर से बच्चा लापता घर से गया था। शाम को हमारे को पता चला वो गेम खेलने के लिए जाता था। हम ये सोच रहे थे कि वो गेम खेलने जाएगा लेकिन जब शाम को नहीं पहुँचा तो गांव के किसी व्यक्ति ने ये बताया कि उधर दो चोरी चप्पलों की नहर पर खड़ी हुई और एक साइकिल। तो हम दो रुपये आए और हमने अपनी चप्पलें पहचानी। चप्पलों से पता चला कि हमारे लड़के की चप्पलें और साइकिल भी हमारे लड़के का। रात को वो तो शक था हमारे को थोड़ा कभी ना देखें और कहीं चले भी गए लेकिन सुबह जब देखा तो हमने थोड़ा कशीद सी की वो दिखाई दिया कि बच्चे कहीं घिसर गए हैं उसके नहर के अंदर। तो फिर ये सर्च ऑपरेशन चलाया। सर आपका नाम समुंदर सिंह। बच्चे का नाम दीपांशु। डूबे हैं कल 20 जुलाई को थाने में इतला मिली थी वही गांव बड़ौता नदी के पास दो बच्चे दीपांशु देव दो लड़के नदी में आशंका है गाँव वाले की वे नदी में वो डूब गए हैं जी। तो तलाश जारी है और अपने गोताखोर बुला रखे हैं और गाँव वाले भी सहयोग दे रहे हैं। हो सकते हैं बच्चे दोनों बातें हैं सर दोनों क्योंकि क्लियर ये नहीं डूबते हुए देखे उनको जी। वहाँ साइकिल है उनको चप्पल पड़ी मिली है। ठीक क्या नाम आपका जी।